पानी पता से हर कोई खाता है, वहाँ भी खाए पूरे इंदौर में खाए, पर जैसा भैया सर्व करता है, जैसा सर सर्व करते हैं यहाँ पे, वैसा पूरे इंदौर मेरे को लगता कोई करता होगा। तो इनकी सिर्फ आवाज सुन के यहाँ पे पानी पता से खाने आया हुआ, तो यार जल्दी से खिलाओ, कैसा खिलाते हो? तो आपके साथ साथ पूरे रंजीत चौपाटी में जितने लोग उनको पता चले कि आप जीरा का पानी पता से खा रहे हो यहाँ पे। Hi guys, welcome back to another episode of Indori Chatore. तो यार भी आज एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने फिर से आ चुके हैं, और आज आए हैं रंजीत हनुमान के पास में, रंजीत बाबा के पास में आए। बिल्कुल ठीक है, कहाँ आए अपन? अभी हम लोग आए हैं रंजीत हनुमान के जस्ट बाहर, लगती है रंजीत चौपाटी, जहाँ पर मिलते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइटम। मेरे को चिकू भैया का फोन आया स्पेशली कि मेरे को तेरे को मैं खिलाऊंगा पाव भाजी और दही पूरी, जो बहुत एकदम 10 रुपए में 6 पीस कितने मिलते हैं यार, मेरे को इन्हें बताया था 6 या 5 पीस मिलते हैं। तो मैं खुश हो गया कि यार एकदम इतना अच्छा टेस्ट और इसने जितनी तारीफ करी, तो मैंने कहा अब तो आना बनता है। बिल्कुल, तो जल्दी से बिना देर करे स्टार्ट करते हैं, और आपको पहले एड्रेस थोड़ा सा बता दूं किधर है हम, कहाँ आए हैं। तो यार गाइस आपको एक बार एड्रेस बता दूं जल्दी से, तो भैया ये है रंजीत हनुमान मंदिर, उसके पास में जो चौपाटी लगती है इसमें हम लोग चीकू भैया मतलब आज लेके आए हैं श्री बालाजी बटर पाव भाजी पे, जहाँ बहुत ही बढ़िया पाव भाजी मिलती है, और पास में अपने को हॉट डॉग छोले टीके की व्यवस्था भी है, और ये है दही पूरी वाली जगह। तो चीकू भैया क्या खाएं सबसे पहले? सबसे पहले पाव भाजी पे नजर है, तो पाव भाजी टेस्ट करते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल। भाई साहब देख सकते हो कितनी बढ़िया पाव भाजी दिख रही है, एकदम गर्मा गर्म सर्व हो गई है, साथ में आपको मिलेगा प्याज और नींबू। चिकू भाई मुंह में पानी आ रहा है आपके अभी से? मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया था पाव भाजी खाई नहीं थी, और अभी जैसे जैसे धीरे धीरे चालू होते जा रहा है सब, तो बस ओहो ऊपर से बढ़िया बहुत सारा बटर भी आ गया है। तो चिकू भैया प्लेट तो ले लो, खाऊंगा भले ही मैं। तो यार भैया मेरे हाथ में आ चुकी है बढ़िया यहाँ की पाव भाजी, इसकी प्राइस है कितनी भैया? 40 रुपए, 40 रुपीज इसकी प्राइस। आप देखते हैं 40 रुपए की पाव भाजी कैसी है टेस्ट करके। बिल्कुल है ना, बाकी देखने में बहुत अच्छी लग रही, बटर आप देख सकते हो चिकू भैया, आपको मालूम है मुझे बटर कितना पसंद है। हाँ यार, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, स्ट्रीट की पाव भाजी का मज़ा ही कुछ और होता है। मसालेदार पाव भाजी है। हाँ, और हमने मास्क इसलिए नहीं पहना क्योंकि हम लोग पाव भाजी खा रहे हैं, तो मास्क गंदा हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा सा कंसीडरेशन करना पड़ता है। कैसी लग रही है यार? वाकई बहुत अच्छा टेस्ट है, मसालेदार टेस्ट है, मतलब थोड़ा सा ना बोल सकते इसको चटपटा, और टमाटर इसमें थोड़ा सा ज्यादा डाला है, तो टमाटर का एकदम जो खट्टा बन रहा था वो भी आ रहा है इसमें। ओवरऑल 40 रुपए के हिसाब से जो पाव भाजी इसकी रेटिंग अगर मैं बात करूँ आज दो, तो 5 में से कहीं 3.5-4 के बीच में आएगी। और कई बार ऐसा था कि लोग प्लेट्स का बोलते थे, यार प्लेट्स मतलब जैसे थोड़ा सा बजट भी कंसिडरेशन करके चलना पड़ता है, इसलिए थर्माकोल में भली सर्व नहीं करते, पर आप जितनी जल्दी खा लो उतना अच्छा। बिल्कुल, और है ना एक्स्ट्रा पाव मिलता है भैया यहाँ पर 15 रुपीज़। तो यार अभी जो बढ़िया सी पाव भाजी खाई, तो अपने साथ अमित भी, अमित भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप? तो सर बताएं अपनी थोड़ी सी शॉप के बारे में, कब से है? 10 साल हो गए अपनी शॉप लगते। अच्छा 10 साल से तो यहीं रंजीत चौपाटी पे ही? जी सर। अरे वाह, तो आप सिर्फ पाव भाजी ही सर्व करते हैं मतलब? जी सर पाव भाजी ये चलेगी, बाकी टेस्ट वाकई बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अपनी शॉप का टाइमिंग क्या है? 4 बजे से ये तो 8 बजे तक है, लॉकडाउन के बाद समय बढ़ जाएगा तो फिर 11 बजे तक बेचते ही ऐसे तो हम। अच्छा ऐसा, और जो व्यूअर्स अपने जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बस एक बार आप आइए पाव भाजी टेस्ट करिए। बिल्कुल यार आप लोग को मजा आएगा जितना मजा मुझे आया था, जितना चीकू भैया कितनी दूर से आया था मैं? मेरे को यार
हाँ वही तो तो मेरे को इतनी दूर से आया तो मेरे को लगा आना वर्थ था। चिकू भाई आप जल्दी से क्या खाओगे? देखते हैं, दाबेली है, हॉट डॉग है, छोले टिक्किया है। तो यार इधर अपन ने खाया था पाव भाजी, अब इधर सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। तेजकरण कटारिया। तो तेजकरण जी की शॉप है भैया बाबा छोले टिकिया। तो सर अपनी दुकान कब से? 10 साल से अपनी भी। अच्छा तो आप चिकू भैया तुमको क्या खाना था? मेरे को खाना है भैया यार बटर हॉट डॉग एकदम बढ़िया। तो बढ़िया सा एक बटर हॉट डॉग लगा दीजिए। जैसे मिको ने बोला था कि बढ़िया सा बटर हॉट डॉग अपने को बन के रेडी हो चुका है और मेरे हाथ में आ चुका है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर कि आपको हॉट डॉग के 2 पीस मिलते हैं, आप मार्केट में कहीं पर भी जाते हो, पर यहाँ पर आपको 4 पीस मिलेंगे, तो उसको खाने में जो हेडेक होती है ना वो हेडेक नहीं होने वाली यहाँ पर। और ऊपर से भी बढ़िया सी सेव प्याज और हाँ हाँ प्याज और टमाटो सॉस। बिल्कुल एक बार टेस्ट कर लेते हैं। वाह 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 यार मेरे को यहाँ का जो मैंने हॉट डॉग है ना पहली बार खाया है, क्योंकि मैं यहाँ पर छोले टिक्के और दाबेली खा चुका हूँ पहले। अच्छा हाँ, बट जो हॉट डॉग है ना हॉट डॉग का टेस्ट बहुत अच्छा है। मेन जो टिकिया का टेस्ट रहता है ना वो आलू की टिकिया बढ़िया से सिकनी चाहिए, तो वो अच्छी से सिकी है और अच्छा टेस्ट आ रहा है उसका। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जो अंदर छोले डाले वो छोले बहुत ही बढ़िया। भैया एक बार छोले बता, ये देखो यार कितने बढ़िया छोले हैं। हाँ मतलब देख के आपको भूख लग जाएगी। इसका भी बहुत ही प्यारा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। अगर आप आ रहे हो रंजीत हनुमान और यहाँ पर चौपाटी आपको दिखती है तो या तो पाव भाजी खा लो, मतलब दोनों ही खा लो। अगर आपको भूख अच्छी लग रही है तो दोनों खा जाओगे। तो यार अभी यहीं पास ही में शर्मा जी के आए थे। शर्मा जी कैसे हैं आप? तो शर्मा जी एक बढ़िया दही पूरी की प्लेट लगा दो। तो कितने में देते? 10 के कितने आते? 10 के 5 पीस आते। तो यार एक प्लेट अपनी बढ़िया लग जाएगी। अपनी दुकान कब से है यहाँ पे? 15 साल। अच्छा 15 साल हो गए, मतलब 10-10 साल के बाद ये 15 साल हो गए, तो सही है। अच्छा आपकी सबसे पुरानी दुकान है, वाह ये बहुत बढ़िया बात है। और मेरे को सिर्फ दही पूरी नहीं पानी पूरी भी 10 की 5 मिलती है। अच्छा ओके बहुत बढ़िया बात है यार ये तो। तो यार बहुत ही फेमस अपनी शर्मा जी के दही पूरी मैं मेको खिलाने लाया। मैंने मेको सबसे पहले टेस्ट करो फिर बताना कैसे। ठीक है टेस्ट कर लेते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रीजनेबल रेंज में आपको 10 रुपये में 5 दही पूरी मिल जाएंगी। हाँ मेको एक प्लेट और बोल दो। ऐसा क्या
यार जैसे आप लोग अगर इस एरिया में रहते हो आपको तो पता ही होगा शर्मा जी की शॉप, यहाँ पर बढ़िया से आओ और दही पूरी क्या करो खा लो। यार मैंने ना सिर्फ दो मिनट के लिए, मतलब एक मिनट भी बोल सकते हैं, मैं ऐसा इधर देखा उत्ते में यहाँ पर हुई पूरी प्लेट साफ। क्या बात यार, मतलब बहुत ही प्यारा टेस्ट है, दही का टेस्ट मेन रहता है, दही पूरी बहुत ही मीठा दही है, मतलब एक प्लेट तो मेरे को पता नहीं पड़ी कहाँ खत्म हो गई, अब हुआ तो मैं दूसरे के लिए भी बोल दूंगा उनको, बहुत अच्छा टेस्ट है। कभी यहाँ हो ना तो मोस्ट रिकमेंडेड चीज जो है वो है शर्मा जी की दही पता। क्या बात है। अच्छा एक चीज और, जब दही पूरी खत्म हो जाए उसके बाद ये जो ऐसे चम्मच से खाने वाला काम है आप लोग करते हो कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। मैं तो करता हूँ, मैं भी करता हूँ। सर अभी शर्मा जी के यहाँ पर खड़े थे हम लोग और हम लोगों को वहाँ से रिकमेंडेशन आई कि भैया जो एक शॉप है भैया की जिसका नाम है मानपूर्णा साउथ इंडियन, यहाँ पर मिलते हैं बढ़िया सा डोसा और ये शॉप को हो गया है अराउंड 12 साल, तो जल्दी से यहाँ का मसाला डोसा टेस्ट करते हैं अपन। टेस्ट कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिनों से साउथ इंडियन नहीं खाया था। अच्छा और ये खाओगे इसके बाद, ये बहुत ही बढ़िया इधर दुकान मिली है, वो क्या है वो आपको आराम से बताएंगे। बिल्कुल आपको आवाज आ रही होगी, ये डोसा ऐसा डोसा है जिसको आप बिना सांभर के खा सकते। चिकू भाई इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस है 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ में पाव भाजी खा लो, डोसा खा लो या फिर हॉट डॉग खा लो या फिर स्पेशल आइटम है इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, वो भाई की आवाज़ सुन के मेरे को ऐसा लगा कि उसको तो व्लॉग में फीचर। और एक मैंडेटरी चीज़ है जो कि है अपने शर्मा जी के दही पूरी। बिल्कुल वो तो है, ये भी पानी बता सके आउटलेट पर, ये कुछ अलग है पूरे इंदौर में, ये सिर्फ आपको इंदौरी सेंटर पे मिलेगा और पूरे इंदौर में ये इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी रेटिंग? इसकी रेटिंग अराउंड 4 out of 5, बहुत अच्छा है। यार मेरे को फिर से पानी बता से। यार पानी बता से हर कोई खाता है, वहाँ भी खाए पूरे इंदौर में खाए, पर जैसा वही सर्व करता है, जैसा सर सर्व करते हैं यहाँ पे वैसा पूरे इंदौर मेरे को लगता कोई करता होगा। तो इनकी सिर्फ आवाज सुन के यहाँ पे पानी बता से खाने आया हूँ, तो यार जल्दी से खिलाओ, कैसे खिलाते हो? तो आपके साथ साथ पूरे रंजीत चौपाटी में जितने लोग हैं उनको पता चले कि आप जीरा का पानी बता से खा रहे हो यहाँ पे। ये मुझे बताने की जरूरत है, आप सबने सुन लिया कि ये कौन सा फ्लेवर है। ये पुदीना है। वाह वाह, ये पुदीना है। अभी तक सबसे अच्छा लहसुन है। ये पसंद आएगा शायद, खट्टा मीठा देखते हैं। कौन सा भैया, कौन सा? निम्बूड़ी। क्या बात है, निम्बूड़ा टेस्ट कर लेते। बहुत ही बढ़िया। ये रेगुलर है। जन्नत है, रेगुलर ही है।
ये भी टेस्ट करता हूँ, फिर बता दो सबसे अच्छा कौन है। तो यार इतने बढ़िया तरीके से भाई ने खिलाए और झन्नाट वाला, सही में झन्नाट है उसका जो आफ्टर टेस्ट है उसमें आपको मजा आएगा। सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो था लहसुन यार, नॉट टू बी वेरी मच, लहसुन सही में बहुत प्यार था उसका टेस्ट मेरे को आ रहा है। यहाँ पर छह फ्लेवर मिलेंगे अपने, छह फ्लेवर मिलेंगे और यार ये भाई की जो आवाज है ना ये आपको यहाँ तक खींच के लाएगी। और एक चीज और है कि आप जब सोओगे ना तब भी आपके कान में आवाज गूंजेगी। अरे बहुत ही प्यारे तरीके से बुलाता है इंदौर में, इनके अलावा मेरे को लगता है कोई और इतने अच्छे तरीके से खिलाता होगा यार। क्या बात है यार, यहाँ पर छह फ्लेवर तो मिक्को ने टेस्ट करे, बट जैसे आप लोगों को सूखी सूखी चाहिए रहती है पूरा खाने के बाद, तो यहाँ पर सूखी मिलती है बट उसका नाम है इनाम गोली। इनाम गोली तो चीकू भैया को एक मिल चुकी है। भैया एक और लगाओ ना यार, इनाम गोली कैसे लगाते हो? ये इनाम गोली, क्या बात है चीकू भैया, ये मैं खाऊंगा, तुम तीन खा चुके हो पहले। डरा गया। तो यार गाइस ये था वीडियो रंजीत की चार चौपाटी का, जहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइटम्स एक्सप्लोर करने को मिले। बिल्कुल बहुत अच्छी एक्सप्लोर करी आइटम्स। और ये जो आखिरी में पानी बता से खाए ना भैया, ये मेरे को अब अगले बहुत सालों तक याद रहने वाला, मैं जब भी आऊंगा तब यहाँ तो जरूर खाऊंगा। और आप लोग भी आके यहाँ पर अगर टेस्ट करो तो बताना कि भैया चैनल वैनल पर देगा, मजा आएगा। बिल्कुल यार, तो आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ, आप लोग भी आओ और इस वीडियो को यहीं इसी नोट पर एंड करते, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। साइनिंग ऑफ। चिकू भाई कहाँ जा रहे हो? अरे वो सेल रह गए थे घर पे।